ओडिशा ट्रेन हादसे के बाद कांग्रेस के एक दावे को भारतीय रेलवे ने सिरे से खारिज कर दिया और मामले में बाकायदा ट्वीट कर अपनी सफाई पेश की। दरअसल ओडिशा रेलवे हादसे के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये दावा किया था कि बीते दिनों में ऐसी रेल दुर्घटना कभी नहीं हुई, सैकड़ों लोगों की जान चली गई और हजार से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस घटना ने सभी को दुख पहुंचाया है। दुर्घटना के बाद हजारों लोगों ने अपने टिकट कैंसिल कर दिए हैं। उन्हें लगता है कि ट्रेन में सफर सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस के इसी दावे पर अब भारतीय रेलवे की ओर से जवाब सामने आया है। मामले में ट्वीट करते हुए IRCTC ने दावा किया है कि ये तथ्यात्मक रूप से गलत है। अपना पक्ष रखने के साथ ही IRCTC की ओर से 2 मई को हुए हादसे के बाद टिकट बुकिंग और कैंसिलेशन का डेटा भी दिया गया। IRCTC ने अपने ट्वीट में कहा कि रद्दीकरण में वृद्धि नहीं हुई है। इसके विपरीत रद्दीकरण 1 जून को 7.7 लाख से घटकर 3 जून को 7.5 लाख हो गया है। गौरतलब है कि बीते शुक्रवार शाम को 3 ट्रेनों में एक साथ टक्कर हो गई थी, जिसमें करीब 278 लोगों की जान चली गई, जबकि हजार से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल अधिकारियों की माने तो घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद भी करीब 101 शवों की पहचान होना बाकी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।